दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप, आप सभी का स्वागत है स्टेट न्यूज टाइम्स पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। वाराणसी में सातवें चरण और अंतिम चरण का चुनाव होना है। वाराणसी में आज सबसे व्यस्त भरा दिन रहा, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव जैसे तमाम बड़े दिग्गज नेता अपने पक्ष में वोटर करने के लिए यहाँ पर धाक जमाने आए हैं। लेकिन क्या बनारस के युवा, बनारस के लोग, बनारस की जनता क्या सोचती है, किसकी तरफ जाएगी, किसकी बातें, किसकी वादे, किसके इरादे इनको अच्छे लग रहे हैं, हम तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस पार्टी हाशिए पे है, रह गई बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के जुमलों से, इनके झूठे वादों से उत्तर प्रदेश का छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, व्यापारी, बुनकर समाज परेशान है। उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान में पहली बार उत्तर प्रदेश में मुझ जैसा अभिभावक, मुझ जैसा गार्जियन अपने बच्चों को बिना स्कूल मुंह देखे दो साल से फीस जमा कर रहा है। उत्तर प्रदेश का नौजवान रोजगार मांग रहा है। ये चुनाव रोजी रोटी और रोजगार को लेकर के है। रह गई नेताओं के चुनावी भाषण की बात, चुनावी दावे की बात, तो निसंदेह मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है, और अखिलेश जी का जो घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र अमल होगा, अक्षर से लागू होगा। और छह चरण चुनाव हो चुका है, आप लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, अब लोगों के माध्यम से पता चल चुका है कि छह फाटक इस अहिंसक महाभारत लड़ाई में समाजवादियों ने छह फाटक तोड़ चुका है, और सातवां फाटक, अंतिम फाटक 7 मार्च को बनारस के लोग, अगल बगल के लोग तोड़ेंगे। और हम लोग को इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग को जिसमें वोट पड़ेगा, ईवीएम मशीन का ढेर इंतजार नहीं करना पड़ेगा, 7 को वोट पड़ेगा, और ठीक 10 तारीख को, यानी 3 दिन बाद उत्तर प्रदेश जनता भाजपा का चलाती करके उत्तर प्रदेश शुद्ध कर देगी। अच्छा, मोदी जी भी मैदान में कूद पड़े हैं, क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी सरकार ये तो 5वें चरण में ही जीत चुकी है। ये तो दो चुनाव जो चुनाव होने जा रहा है, दो चरण का, ये तो गिफ्ट में है। और आप जनता, ये बनारस जिला है, हमारे पीएम साहब का लोकसभा क्षेत्र है, आप देखिए कि ये समाजवादी लोगों में कितना उत्साह भरा है। ये ना जिले में 8 विधानसभा है, 8ों विधानसभा समाजवादी पार्टी सीट जीतने जा रही है, गठबंधन। अच्छा, और सरकार तो 5वें ही चरण में समझ लीजिए हम लोगों की बन गई है। ये 2 चरण गिफ्ट है। हाँ। ये बनारस गिफ्ट देने जा रहा है माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय जी को। तो ये तो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है ना, तो आप कह रहे हैं 8ों ले ले रहे हैं, उनके लिए कुछ तो छोड़ रहे हैं। नहीं, नहीं, उनके लिए क्यों छोड़ेंगे, इतना जनता कोरोना काल में बेदीन हो गई, सब सारे झूठे वादे हो गए, सारे चीज हो गए, बताइए कहाँ उनके लिए जगह बचा, उनके लिए जगह बचा ही नहीं है। जय हिंद, जय समाजवाद। बताइए क्या कहेंगे? लार बड़ी करा रही है, चिलम पर साइकिल भारी है। हाँ। और क्या कहें, तगड़ी रैली करके आए हैं। गला बैठ गया, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बस इतना कहेंगे 2022 में 350 के पार समाजवादी जा रही है। अच्छा, आप बताइए युवा इस बार वाराणसी के युवा किस तरफ जा रहे हैं? बस बाबा, योगी बाबा। अच्छा, क्यों योगी बाबा? बुलडोजर चल रहा है। कहाँ बुलडोजर चल रहा है? हर जगह चल रहा है। हम लोगों को चाहिए क्या? कमाना है हम लोगों को, खाना है हम लोगों को, किसी नेता से हमको मतलब नहीं है। मतलब हमको किस चीज से है? इसी से कि हम सेफ रहें। हाँ। हमारे घर की बहू बिटिया सेफ रहे। हाँ। हमारे घर के माता पिता सेफ रहे। हाँ। हमें किसी चीज से नहीं मतलब है। हम मेहनत करेंगे, हम खाएंगे। हाँ। ना आप हमको देंगे, ना भैया जी हमको देंगे, ना चाचा जी हमको देंगे। तो युवा इस बार बुलडोजर पे जा रहे हैं क्या? बुलडोजर बस बाबा जी। हाँ। नरेंद्र मोदी जी। हाँ। लोअर तबके के लोग हैं, तो उनको महंगाई से कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, कोई फर्क नहीं है महंगाई से। पेट्रोल का दाम बढ़ा। हाँ। उसके साथ मेरी भी इनकम बढ़ी है। हाँ बिल्कुल, पूछिए कैसे, तो वो भी हम आपको बताएं। अच्छा, हम सब्जी विक्रेता हैं, कल दिन धनिया 2 रुपया किलो बिकता था, मतलब आप नहीं बढ़ा दिए। हाँ। सिस्टम को समझिए। हाँ, हाँ। पहले आप बच्चे थे। हाँ। कोई चाचा जी कहाँ है कोई? हाँ।
कोई दादाजी को बुलाइए, सुनिए हम बताते हैं। दादाजी दादाजी किसी को बुलाए तो उनसे हम पूछे कि वो जब बचपना में स्कूल जाते उनको चमन्नी मिलता था, आज के बच्चे को 50 रुपया वो एल के जी का बच्चा एक क्लास का बच्चा लेकर जाता तो वो कहाँ से 50 रुपया लेकर जाता है। अच्छा। उसके उनके पिताजी की जब इनकम होती है तब वो उनके उनके बच्चे 50 रुपया लेकर स्कूल जाते हैं पैसे खाने के लिए, पैसे वो खा रहे हैं इसलिए इसका मतलब वो कमा रहे हैं ना। आप अच्छा आप बताइए क्या लग रहा है आपका इनकम बढ़ा? नहीं, हमारा इनकम उसी तरह जितना था उतना ही है। महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ा? नहीं, वो भैया तो कह रहे हैं महंगाई के हिसाब से बढ़ गया। अब भाई उनका सोच उनका, मेरा सोच मेरा है भाई है। जो होगा तो 10 तारीख को पता चलेगा। अच्छा, महंगाई के हिसाब से आपका इनकम नहीं बढ़ा? नहीं नहीं बढ़ा, जो रखा था वो चला गया। बढ़ा? इधर आइए, आ गया जी, जो रखा वो भी खत्म हो गया। क्या कह रहे हैं? महंगाई है, महंगाई है तो कौन से मुद्दे पे वोट करेंगे इस बार? साइकिल पे देंगे। नहीं, ये तो आप साइकिल तो बता दिया, मैं मुद्दा पूछ रहा हूँ कौन से मुद्दे पे वोटिंग करेंगे? सब लोग को नहीं बताया मुद्दा। आगे सुनाइए, इधर आइए। इनका अभी खाना लगा है, इधर आइए। मजदूर आदमी है, खाना लगा है वहाँ, बोला कि शाम को तुम्हें पैसा मिलेगा। हम अभी तक 9 बज रहा है और गए तो नहीं आया, गए होटल में तो बोला कि 50 रुपये लगेगा पनीर के और रोटी के, हमले सादा नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। अच्छा, तो बताइए तुम भूखे रहेंगे? ऐसा ऐसा तो हो रहा है। अच्छा, मतलब महंगाई की वजह से खाने भरपेट खाना नहीं खा पा रहे हैं, ये कहना चाहते हैं? हाँ। अच्छा सर, आप बताइए कौन से मुद्दे पे वोटिंग होगा इस बार? महंगाई, महंगाई पे वोटिंग होगा, बस यही होगा। क्या जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है क्या इनकम भी बढ़ रही है? क्या इनकम कहाँ बढ़ रही है, इनकम तो जा रही है, जा रही है और जा रही है और लेके जा रहे हैं मोदी जी। हाँ, बस आपकी तो अखिलेश, अच्छा उसके अलावा कोई नहीं चलेगी, तो साइकिल और कुछ नहीं। अच्छा, साइकिल ही क्यों आप चला रहे हैं? साइकिल ही चलाना है, आपको भी चलाना है, आप भी चलाइए, आप भी जय अखिलेश कहिए। बस यही है महंगाई पे मुद्दे, महंगाई के मुद्दा है बस यही, आपकी जनता बर्दाश्त नहीं कर रही है। अच्छा, बस यही है मुद्दा। अच्छा, आइए आप थोड़ा थोड़ा बोलना चाहेंगे, इधर आइए। क्या मुद्दा होगा आपका? महंगाई, इधर थोड़ा आगे आ जाइए, लाइट 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 छोड़ दीजिए। महंगाई? हाँ जी भैया। महंगाई मुद्दा होगा जी भैया। अच्छा, युवा है क्या, रोजगार मिल पा रहा है? नहीं भैया, रोजगार नहीं है सरकार में। हाँ, इस सरकार में रोजगार है। क्या काम करते हैं आप? हम वैसे घूम रहे हैं मोदी राज में। मोदी राज में मतलब कुछ घूम रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ करने को नहीं मिल रहा क्या? कुछ नहीं, है। कुछ नहीं, पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो गया है इस राज। कितना पढ़े हैं आप? अभी हम कर रहे हैं, मैं काशी विद्यापीठ से। अभी कर रहे हैं? हाँ अभी कर रहे हैं। कुछ मिल नहीं रहा करने? कुछ नहीं मिल रहा है भैया, महंगाई बहुत है, क्या बताया जाए। अच्छा, वैकेंसी भी नहीं निकल रही कोई? कहाँ निकल रही है, सब कोर्ट में जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है। क्या करिए, ये कह रहे हैं कि एमआई की है इनको नहीं मिल पा रहा है, और ये कुछ सज्जन कह ये बोले कि महंगाई की वजह से इनका पेट नहीं भर पा रहा है, खाने जहाँ जा रहे हैं जिस तरफ से आप बता रहे हैं कि इनकम बढ़ रहा है। आप तो सब्जी बेच रहे हैं, आप बता रहे हैं आपने सब्जी लाया, महंगाई बढ़ा तो आप बढ़ा दिए, लेकिन ये कुछ किसी के थ्रू ठेकेदारी के थ्रू जैसे भी कर रहे होंगे लेकिन ठेकेदार इनका नहीं बढ़ा रहा है, इनको दिक्कत हो रही है, बताइए क्या करें? तो भैया मैं यही कहना चाहता हूँ कि सुन लीजिए सुन लीजिए, आप बताइए। मैं कमाऊंगा मेहनत, पैसा कमाने के लिए सबसे बड़ी चीज मेहनत होती है, मेहनत मैं करूंगा तो मैं दिन भर में 500 रुपया कमाई सकता हूँ, इतना मता तो नहीं। पढ़ाई कितना की है? मैं बीकॉम किया हूँ। बीकॉम किया? बीकॉम पहले? हाँ बिल्कुल। वो बिजनेस? अच्छा, नहीं लगता बिजनेस काफी भी आठ नया का? नहीं नहीं सर, सर सुनिए, मेरा कहने का ये नहीं मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है अगर आप बीकॉम करके भी सब्जी बेच रहे हैं, एमबीए करके भी सब्जी बेच रहे हैं, आठवीं पास भी एमबीए सब्जी बेच रहे हैं, धीरू भाई अंबानी क्या किए हैं? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप पत्रकार हैं, आप हमको बताइए। नहीं आप बताइए, आप बताइए जो बता रहे हैं मुद्दे। वो आज बिजनेसमैन है, सब्जी बेचिए या 50 पैसे का आप टाफी बेचिए, आप हैं बिजनेसमैन, ठीक है? अच्छा, 50 पैसे का टाफी आप? अच्छा, आप कहने का मतलब तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी करना छोड़ के अपना बिजनेस में माइंड लगाएं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं, तैयारी आप तैयारी करिए। पहले का जमाना गया कि आप रात भर लैंटन जलाकर आप पढ़ रहे हैं, सुबह हमारे पिताजी लखपति हैं, सुबह जाकर 10 लाख रुपया पहुंचा दिए तो आपका बच्चा नहीं पढ़ा हुआ है उनको नौकरी मिल जाता है, और जो रात भर पढ़कर सुबह जाकर एग्जाम नहीं दिया, एग्जाम दिया
लेकिन उसको फेल कर दिया जाता है, वो सिस्टम अब खत्म हो गया है। अब सिस्टम खत्म हो गया है। पेपर पेपर पहले भी लीक होता था, पेपर तो इससे ज्यादा पहले लीक होता था, पेपर इससे ज्यादा पहले लीक होता था। आज के समय में जो जो एक घंटा बैठे उसका पेपर वाला लीक हो गया है, बंद हो जाइए, बंद हो गया, बंद अध्याय नहीं होता था, पहले नहीं, आज ओपन हो जा रहा है, पहले ओपन नहीं होता था, आज ओपन हो जा रहा है, आज ओपन हो जा रहा है, पहले ओपन नहीं होता था, पहले ओपन है, पहले तो ये होता था अंदर से दे दिए, घुस नहीं चल रहा है, अब घुस नहीं, आज तो ओपन हो जा रहा है ना, एक कहीं से पेपर लीक हुआ ओपन हो गया, पहले ओपन नहीं होता था, अब तो ओपन हो जा रहा है। मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ, रोजगार रोजगार खत्म हो गया है, 23 लाख लोग बनारस में रहते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो रोजगार कैसे पैदा करते हैं। ये यार कहिए कि सरकार 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 कहीं आपको रोजगार दे तो सरकार आपको रोजगार नहीं देगी, मतलब खुद अपने पैर पे खड़ा होना का अपने पैर पे आप खड़ा हो, आप विश्वास नहीं करते, वो आप अपने आप पे विश्वास करिए, सरकार पे विश्वास नहीं करिए, मतलब युवाओं को आप सरकार पे भरोसा नहीं अपने आप करना चाहिए। अच्छा क्या कहेंगे सर? हम ये कहना चाहते हैं हमको विकास चाहिए नहीं, जब 5 साल आप विकास दिखा रहे हैं, इतने साल आप कहाँ थे, जब आपको बताना चाहिए ना इतना साल आप कहाँ थे, जब 5 साल चुनाव आ गया आप 10 दिन के लिए दिखा रहे हैं बन गया पत्थर, देखिए विकास हो गया, ये विकास का तो विकास नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ 5 साल में आप दिखा रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है जिस पर आप खड़े हैं, ये क्या है, ये क्या है, मतलब रोड बंद है, रोड बंद है, विकास चाहिए ना, पूरी बात सुन लीजिए, विकास चाहिए ना, पहले देखिए चुनाव आया, चुनाव आया दिखा रहे हैं प्रचार, विकास चाहिए खाने के लिए देगा, खत्म खाने के लिए देंगे, खाने के लिए 10 केला लगती थी, चलिए ठीक है, कुछ लोगों के लिए विकास वो होता है, सड़क पर गोबर बिछा हुआ है वो उनके लिए विकास है, आज सड़क पर पत्थर बिछा हुआ है वो उनके लिए विकास नहीं है। अच्छा ये है मोदी, एक सवाल पूछूंगा भैया, आप बताइए किसकी सरकार बन रही है? सपा की सरकार बन रही है, और आप बता रहे हैं हम जिसके पिताजी रोड से सब्जी बेच के ताजमहल खड़ा कर लिए, आज वो गोबर का बात कर रहा है, गोबर जब उसके पिताजी सब्जी बेच रहे थे रोड से, किसान लूट रहे थे, उस समय कोई नहीं दिख रहा था। अच्छा। आज 4 साल बाद के हिसाब से कुल मिलाकर सपा सरकार, सपा सरकार, सपा बताइए, सपा किसकी सरकार बन रही है? किसी के सरकार बने? अच्छा आपके बीजेपी, बीजेपी सरकार बन रही है? अच्छे दिन आएंगे। सरकार किसकी बन रही है? 70 रुपए लीटर। एक सेकंड सर, अब सवाल समय नहीं, फिर आएंगे दोबारा। किसकी सरकार बन रही है? सरकार बीबीसी की बन रही है। सरसों का 70 रुपए किलो एलपीजी का। एक सेकंड, किसकी सरकार बन रही है? किसकी सरकार बन रही है? अच्छे दिन के। किसी को सरकार किसकी बन रही है? एक शब्द में बीजेपी की बन रही है। आप सपा की बन रही है? सपा की, सपा की, सपा सरकार, सपा की, सपा। चलिए ये बोल रहे हैं कि 2 बार राशन ले ले तो इंसान पेट भर खाएगा, कल के इनके बच्चे को ये बोल रहे हैं 2 बार राशन ले ले तो इंसान का खाली पेट ना भरेगा। अच्छा अच्छा ठीक, कल के इनके बच्चे का होगा कुछ तो क्या मोदी पैसा पहुंचा देंगे अस्पताल में? मतलब रोजगार नहीं है, रोजगार का आपको चिंता है? ठीक है, रोजगार ठीक है, कोई धंधा छोटा नहीं होता, इंसान का सोच छोटा होता है, मेहनत करने से कोई खाले बिना नहीं मरेगा, खाना खाए बिना। अच्छा सही में कोई भी सरकार है? कोई भी सरकार है, मेहनत करने से कोई नहीं चुका, बताइए। बोल रहे हैं कि मतलब ये सरकार है जो बीजेपी है, बीजेपी सरकार है, बोलती है विकास की है, रोड बनाने से विकास हो जाएगा, घर में अनाज दे देंगे, फिर उसके बाद अपंग हो जाएगा, उसी के अनाज के आश्रय साल भर रहेगा, इसी तरह आदमी चांस। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग कह, मैं जा रहा था इधर अखिलेश की रैली थी, आज वाराणसी में काफी व्यस्त भरा दिन रहा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश जैसे दिग्गज वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार यहां पर जमावड़ा लगाए हुए हैं। क्या होगा अगर आने वाले 7 तारीख को अंतिम दौर का यहां पर चुनाव होना है, अगले 10 तारीख को रिजल्ट होगा, क्या होगा, क्या योगी सरकार एक बार फिर से रिपीट कर जाएंगे या सत्ता पलट जाएगी?